तो दोस्तों BS6 बाइक को BS4 तरीके से अगर बनाना चाहें तो क्या क्या बदलाव करना पड़ सकता है, आज इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा। बट आपको मैं एक छोटी सी चीज आपसे शेयर करूंगा, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं कि BS6 बाइक को बिना फ्यूल पंप के, बिना पेट्रोल टैंक के, बिना इंजेक्टर के, बिना थ्रोटल बॉडी के यूज हुए या बिना किसी सेंसर के यूज हुए गाड़ी कैसे स्टार्ट करें। अभी देखो इस गाड़ी में पेट्रोल टैंक नहीं लगा हुआ है, इसका इंजेक्टर का पाइप देखो मैंने हटा रखा है, इंजेक्टर का पाइप हटा रखा है, ये जो है इंजेक्टर का पाइप है ये मैंने हटा हुआ है, यहाँ से हटा रखा है, ठीक है। ये देखिए इंजेक्टर है ये वाला, ठीक है, ये हमारा हटा हुआ इंजेक्टर, यहाँ से इंजेक्टर में कोई भी सप्लाई नहीं है, ठीक है। और ये हमारी थ्रोटल बॉडी है, पर थ्रोटल बॉडी का हमारा ये ऊपर का जो फ्यूल पंप होता है इसका जो तार है वो निकला रखा है। अब इसको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, आपके मन में ये आ रहा होगा कि मैं गाड़ी की टंकी उतार दूंगा और टंकी की उतार के पेट्रोल पंप लगा दूंगा और उसके हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दो तीन चीजें हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। पहली चीज, पेट्रोल टंकी उतारते ही इसका करंट नहीं आता है, यकीन नहीं आ रहा तो आओ पास में दिखाता हूं। ये देखो गाड़ी की चाबी मैंने ऑन करी, ठीक है, देखो चाबी ऊपर दिखाओ, चाबी मैंने ऑन करी गाड़ी की, ठीक है, यहां पे मैंने सेल्फ मारूंगा गाड़ी में, ये देखो इस तरीके से यहां मैं सेल्फ लगाऊंगा इस तरीके से, करंट नहीं आएगा, ठीक है, ये देखो करंट नहीं आ रहा, करंट बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके अंदर फ्यूल पंप लगाऊंगा तो हमारी गाड़ी में करंट आ जाएगा। मैं फ्यूल पंप लगाता हूं, फ्यूल पंप ले गया भाई, तो फ्यूल पंप लगाने के बाद इसमें करंट आ जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये आ गया हमारा फ्यूल पंप, ये जो फ्यूल पंप है इसको लगाते ही इसमें करंट आ जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये फ्यूल पंप मैंने लगा दिया, देखो आओ पास, ये फ्यूल पंप मैंने इसके इसमें इस तरीके से ये मैंने फिट करा, ठीक है, और ये फ्यूल पंप इसको पकड़ो जरा एक मिनट, ठीक है, मैंने गाड़ी की फ्यूल पंप लगाया, देखो चाबी ऑन करके ऑफ करके मैंने दोबारा से ऑन कर दी, ओके, फ्यूल पंप यहाँ पे काम कर रहा है, फ्यूल पंप की मोटर काम कर रही है फर्स्ट क्लास, ओके। और यहाँ से हमारा पाइप अलग हो रखा है, अभी हम करंट चेक करते हैं, तो फटाफट करंट चेक करो भाई, ये देखिए भाई करंट आ गया बटाओ, ठीक है, चटर पटर, ठीक है भाई, तो ये हमारा करंट जो है चटरपट आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इस गाड़ी का फ्यूल पंप हटा दिया हमने, ठीक है, तो अभी हम इसका फटाफट से हटाते हैं फ्यूल पंप और हम दोबारा दिखाते हैं, और मेरे पास ये देखिए दोबारा दिखाते हैं, तो ये देखिए दोस्तों फ्यूल पंप हटा दिया हमने, चाबी ऑन कर दिया, अब करंट नहीं आ रहा है, ये देखिए फ्यूल पंप दिखाइए भाई, ये देखो नहीं लगा हुआ है, ठीक है, और करंट हमारा नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो अब इससे ऐसा हम क्या करें कि हमारी गाड़ी का फ्यूल पंप को हटा के, सब कुछ हटा के करंट आ जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा LED बल्ब। ये जो मैं आपको जुगाड़ बताऊंगा ये आप परमानेंट अपनी गाड़ी में अप्लाई कर सकते हो, अपनी गाड़ी में सिर्फ आपको BS4 करने के लिए, मतलब कार्बोरेटर लगाने के लिए, थ्रोटल बॉडी हटाने के लिए सिर्फ कार्बोरेटर लगाना है यहाँ पर अपनी गाड़ी में, और एक पेट्रोल टैंक लगाना है जिसमें पेट्रोल टी लगी हो, उसके अलावा वायरिंग में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी, ये छोटा सा काम आपको करना है। आओ मैं दिखाता हूँ क्या करना है, ये देखिए ये आपको ये बल्ब लेना है LED बल्ब, ये किसी भी आपको रिमोट की दुकान में मिल जाएगा, जो रिमोट की दुकान होती है जहाँ पे रिमोट रिपेयर होता है, LCD LED रिपेयर होते हैं, वहाँ से आप LED बल्ब बोल देना, वो आपको दे देंगे। उसके बाद ये जो बल्ब LED का है ये आपको इस तरीके से कुछ इनमें इन कर देना है, ये देखो यहाँ पे हमने इन कर दिया है, चाबी हमें ऑफ करनी है गाड़ी की, ठीक है, चाबी हमें ऑफ करनी है, हमने चाबी ऑफ करी, ठीक है, ये हमने चाबी ऑफ कर दी यहाँ से, अब हम करेंगे चाबी ऑन और करंट चेक करेंगे, आयरन नहीं आ रहा, अभी हमारी गाड़ी में करंट नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारे को ये वायर पलटने पड़ेंगे, माइनस प्लस का देखना होता है इसमें। अब हमने किया कि इसको ऐसे करके पलट दिया टायर वायर को, ठीक है, ये हमने इस तरीके से कर दिया, ये काफ़ी कम लोगों को पता होता है, मैं दिखाता हूँ, चाबी फिर से ऑफ करनी है और फिर से चाबी ऑन करनी है और हमारे को करंट, और ये बस बस, और ये देखिए हमारा करंट जो है आ गया है, ये फड़ 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 आ गया है। अब हमें क्या करना है, गाड़ी को करना है स्टार्ट, ये देख लीजिए अभी फ्यूल पंप नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना, गाड़ी का करंट आपको इस तरीके से ला देना। और एक बात और बता देता हूं, अगर आप BS4 गाड़ी बनाना चाहते हो अपनी BS6 को, तो ये जुगाड़ जो है परमानेंट कर सकते हो सिर्फ स्प्लेंडर BS6 में। उसके अलावा आपकी गाड़ी में क्या होगा, वो लाइट आएगी, जो लाइट ऊपर होती है उस लाइट को आप इग्नोर कर दें, उसको कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी गाड़ी को मैनेज कर सकते हो, आराम से चला सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, अभी तक आई भी नहीं है, अगर आप एक्सपीरियंस, मैंने थोड़ा चला के देखा इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। बाकी अब हम गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, जुगाड़ लेके आओगे फटाफट से, स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटी सी बोतल लेंगे और एक पेट्रोल लेंगे और हम अपनी गाड़ी में सप्लाई करेंगे, हमें भी फिलहाल थ्रोटल बॉडी के थ्रू ही, थ्रोटल बॉडी सिर्फ क्या काम करेगी, थ्रोटल बॉडी एक्सेलरेटर का काम करेगी और पेट्रोल सप्लाई हमारी डायरेक्ट उसमें जाएगी जैसे नॉर्मली कार्बोरेटर गाड़ी में जाती है। तो भाई आओ इधर की तरफ दिखाते हैं, हम थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाओ, LED लाइट ऑन, LED, तो ये है हमारा भाई फटाफट से यहाँ पर तामझाम सारा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इंजेक्शन ये फटाफट आपको सिर्फ दिखा रहे हैं ताकि आपको पता रहे इसका सीरिंज क्या है इसकी, ठीक है, एक सीरिंज इसमें घुसेड़ेंगे हम इसके अंदर यहाँ पर, लाओ जल्दी ले जाओ फटाफट भाई, धड़पड़ धड़पड़ धड़पड़, ये देखिए ये हमारी सीरिंज आ गई है फटाफट, और इस सीरिंज को हम इसके अंदर इन कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर
तो ये हमने इसके अंदर लगा दिया इस तरीके से, ठीक है भाई। अब इसके अंदर हम ये वाला जो पाइप है इसको इन कर देंगे, ठीक है ना, ये हमने इसके अंदर टाइट कर दिया है। और इसका पेट्रोल जो है हम इस तरीके से यहाँ पर खोल देंगे, ये हमारा पेट्रोल जो है यहाँ पर खुल जाएगा। ये अभी हमने बंद कर रखा है पेट्रोल, बट अब इसको हम इस तरीके से खोल देंगे, ठीक है। ये हमारा पेट्रोल हो गया ऑन, यहाँ पर पेट्रोल गिर रहा है, ठीक है। और ये पेट्रोल का मूवमेंट बड़ा स्लो हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा और लूज़ कर देते हैं, हल्का सा इसको मतलब कम कर देते हैं इसको पेट्रोल को थोड़ा सा, ताकि धीरे धीरे पेट्रोल जाए, ठीक है। ये हमारा और धीरे जाएगा, बस अब ये पेट्रोल हमारा लगा हुआ है इस तरीके से। और अब उधर उधर जाके हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, उधर चलो भाई। तो पेट्रोल पाइप हमारा लगा हुआ है, गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं, करंट हमारा आ ही रहा है, ये हमारा करंट आ रहा है। दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार करंट को, हम करंट फर्स्ट क्लास आ रहा है। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए प्लग अडैप्टर लगाते हैं। सबसे पहले प्लग अडैप्टर लगाने के बाद हमें चेक करना है थ्रॉटल बॉडी एयर का काम करती है नहीं करती। अगर एयर का काम करती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं खुद पहली बार स्टार्ट कर रहा हूँ गाड़ी को, एक एक्सपेरिमेंट वीडियो है, आप खुद ट्राई मत करना, नहीं तो दिक्कत होगी आपकी गाड़ी BS6 नहीं खराब हो सकती है, ठीक है। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ छोटा सा एक रिपेयरिंग में, इससे मुझे पता लग जाएगा हाँ मेरी BS6 गाड़ी में ज़्यादा कुछ खर्चा ना करते हुए BS4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टार्ट पेट्रोल थोड़ा सा और खोलते हैं गाड़ी का, क्योंकि इसका पेट्रोल खोलना जरूरी है। यहाँ पे पेट्रोल है, इसको थोड़ा सा और खोलेंगे। ये हमने खोल दिया पेट्रोल, यो यो यो, ठीक है पेट्रोल ऑन है। तो भाई पेट्रोल ऑन हो चुका, गाड़ी स्टार्ट कर देखते हैं। पहला अडैप्टर मैंने हटा दिया था, मुझे बार बार लगा इसके LED जो हिल रही थी, इस चक्कर में हिला। बार बार जब LED हिलेगी तो कॉमन सी बात है, दिक्कत आएगी। एक बात और, तार डायरेक्ट मत करना, LED ही लगाना, तार डायरेक्ट नहीं करनी है, LED नहीं लगानी। और एक बात और, ये एक्सपेरिमेंट वीडियो है, गाड़ी स्टार्ट हो या ना हो मुझे नहीं पता, गाड़ी स्टार्ट होगी नहीं होगी मैंने चेक नहीं करी एक बार भी, बट एक बात मैं बता देता हूँ, अगर ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है बाई चांस और बंद हो जाती है बाई चांस, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी ये जो कार्यक्रम है ये फेल हो गया, नहीं, मैं दोबारा ट्राई करूंगा और दोबारा एक लॉन्ग प्रोसेस में लेके आऊंगा। बट अभी फिलहाल मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। तो भाई हमने गाड़ी स्टार्ट कर देगी, थ्रॉटल बॉडी के अंदर क्या होता है, प्रॉपर पेट्रोल ना रुकने की वजह से पेट्रोल डायरेक्ट अंदर जा रहा है, और जिसकी वजह से हमारी गाड़ी में ओवर हो जा रही है बार बार। तो मैं ये कोशिश करना चाह रहा था कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए, हो ही नहीं पाई गाड़ी स्टार्ट। देखो यार ये एक्सपेरिमेंट वीडियो है, ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट मैं करता रहता हूँ, ताकि मुझे पता लगता रहेगा एक नए नए चीज़ों के बारे में कि हाँ ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, और आपके साथ शेयर करता हूँ। ये फिलहाल जो है सिर्फ एक चीज़ जिसमें मेरे को अच्छी लगी, मेरे को पता लग गया इस चीज़ के बारे में, नहीं और मैंने आपको भी बता दिया कि इस BS6 गाड़ी को बिना फ्यूल पंप को हटा के, मतलब बिना फ्यूल पंप के स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप BS4 बनाना चाहते हो, मतलब BS6 बाइक को, तो इजीली आप अपनी गाड़ी का थ्रॉटल बॉडी को हटा के कार्बोरेटर लगा सकते हो। और अगर ये जो एक्सपेरिमेंट है ये अभी प्रॉपर पास नहीं हुआ है, प्रॉपर मेरी तरफ से सक्सेस नहीं हुआ है, मैं पहले इसको चेक करूंगा चला के देखूंगा, और सबसे पहले इसके अंदर मैं कार्बोरेटर लगाऊंगा, कार्बोरेटर लगा के देखूंगा अगर स्टार्ट कैसे हो रही है, लंबे टाइम पर चल रही नहीं चल रही, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही वायरिंग में, और वायरिंग में अगर दिक्कत आ रही है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि BS4 बनाने के लिए हमें BS4 वाली वायरिंग भी डालनी पड़ सकती है। बट अभी फिलहाल करंट की दिक्कत थी, तो करंट आ चुका है, यहाँ पे हमने देख ही लिया करंट आ रखा था। अब इसको लॉन्ग टाइम के लिए कैसे करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, पार्ट टू में। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है, इसमें थोड़ी बहुत जानकारी पसंद आई है, तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।